हेलो गाइस, जैसे कि आपने देखा ही होगा मेरे चैनल का नाम एग्जामिनेशन वार्म अप। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स के वार्म अप के साथ। तो फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम, और ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ये प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। फर्स्ट प्रॉब्लम, द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 364871। तो 364871 में मुझे पूछा गया है 6 का फेस वैल्यू। क्या पूछा है? 6 का फेस वैल्यू पूछा क्या है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 का फेस वैल्यू, सपोज मैं मेरे फेस को मिरर के सामने दिखता हूँ तो क्या दिखेगा? सेम मेरा फेस दिखेगा सेम। मुझे क्या पूछा है? 6 का फेस वैल्यू। अगर मैं 6 को मिरर के सामने रखूंगा तो क्या दिखेगा? सेम 6 ही दिखेगा। तो फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगा? 6 क्या हो जाएगा? खुद 6 ही हो जाएगा। अगर मुझे पूछा है 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो 8 का फेस वैल्यू क्या आ जाएगा? खुद 8 इटसेल्फ क्या आएगा? खुद 8 ही आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन में क्या पूछा है? द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर इज 6। क्या आ जाएगा? 6 का फेस वैल्यू हमेशा 6 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर 7686401। 7686401 में मुझे पूछा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू मतलब क्या? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों बहुत डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट टर्म्स है। फेस वैल्यू एंड ये प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब जगह, 7686401। तो 8 कौन से पोजीशन में, कौन से प्लेस पे, कौन से जगह पे? तो ये प्लेस का नाम क्या होता है? वंस प्लेस। ये क्या होता है? टेंस। ये 100, ये 1000, ये 10000, ये लाख, 10 लाख, है ना। तो 8 किधर है मेरा? 8 किधर है? कौन से पोजीशन पे? 10000 पोजीशन पे। कौन से? 10000। तो 80000 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 8 लिखना, ये जो बाकी का नंबर्स बचा है उसको 00 लिख देना। तो मेरा क्या आ जाएगा? 80000 आंसर क्या आ जाएगा? जो मेरा 8 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा? 80000, ऑप्शन ए। सपोज अनदर एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरे को पूछा गया होता अगर 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, क्या पूछा गया होता ये नंबर में 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाता था? कौन सा प्लेस पे? 100 प्लेस पे। तो 400, तो इट इज माय प्लेस वैल्यू ऑफ 4। 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाता था? 400। अगर क्वेश्चन में अगर मैं पूछता हूँ, अगर मेरा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू कभी सेम हो सकता है क्या? क्या पूछता हूँ? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम होता है क्या? ये कैसा क्वेश्चन है? तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम हो सकता है, होता है कब? जब मैं लिखूंगा सपोज नंबर 8, 7, 6, 3, 2 एंड 4। अगर मैंने पूछा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 का प्लेस क्या है? वंस प्लेस में। तो 4 क्या आ जाएगा? 4। तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? प्लेस वैल्यू आ जाएगा 4। अगर मैंने पूछा फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू भी आ जाएगा 4। तो ये कब होगा? जब मेरा नंबर, जब मेरा प्लेस वंस प्लेस में रहेगा। जब मैं प्लेस वैल्यू पूछेगा तो ये जो नंबर पूछा गया है वो वंस प्लेस में रहेगा, तब मेरा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों सेम होगा। देखा, फेस वैल्यू भी कितना आ जाएगा 4 का? 4। एंड प्लेस वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा है? द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज। क्या पूछा है? द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कितना डिजिट का नंबर पूछा है मुझे? 5। और करना क्या है? सम करना है। किसका सम करना है? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। किसका करना है? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलर। कितना डिजिट? 5। तो 5 डिजिट बोला तो मेरे पास डिजिट स्टार्ट की तरफ होता है 0, 1, 2, 3, 9। तो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट बोला तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 9। तो 9 को 5 बार लिख देना। कितना पूछा? 5 डिजिट पूछा, तो 5 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा। उसके बाद क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट, और क्या? द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा? तो स्मॉलेस्ट क्या मेरे पास? 0। तो मैं 0 0 लिख दूँ, 0 0 लिख दूँ। तो ये क्या आएगा? ये दिस इज नॉट अ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भी तो डिजिट है, इसको मैं 0 0 लिख सकता हूँ 5 बार। तो पर 0 इज नॉट अ स्मॉलेस्ट। वाई? सपोज मैं काउंट करता हूँ नंबर, सपोज 98 99 99, के बाद क्या आता है? 100। हम 0 0 नहीं लिखते, क्या नहीं लिखते? 0 0 नहीं लिखते। नेक्स्ट नंबर क्या जाएगा? 100। सिमिलरली सपोज मेरे पास है 9999 9999, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या जाएगा? 10000। क्या जाएगा? 10000। तो 10000 क्या जाएगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। मेरे पास 0 0 करके कोई नंबर नहीं रहता जब मैं काउंटिंग करता हूँ, तो ये नंबर नहीं आएगा। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास? 10000। तो अभी क्या करने बोला है? मेरे को ग्रेटेस्ट मिला, ग्रेटेस्ट मतलब क्या?
जो नाइन सबसे है, नाइन को फाइव टाइम्स लिखना, और स्मॉलेस्ट बोला तो स्मॉलेस्ट मतलब क्या, वन से स्टार्ट करना और बाकी का जो रिमेनिंग है उधर जीरो जीरो डालना। कितना बोला, फाइव डिजिट, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फर्स्ट जो आएगा तुम्हारा वैल्यू वन, उसके बाद जितना जीरो है, जितना पूछा डिजिट फाइव तो फाइव। तो इनको क्या करने बोला है, सम, सम मतलब क्या, ऐड करने बोला है, तो इनको मैं ऐड करता हूँ, ऐड करेगा तो क्या जाएगा, नाइन 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 वन नाइन टेन, तो मेरे पास ऑप्शन में क्या गया, 1,09,999, तो मेरे पास ऑप्शन है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट, क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट बिगनिंग विद थ्री एंड एंडिंग विद फाइव, कंडीशन दे दिया, क्या बोला है, बिगनिंग विद थ्री एंड एंडिंग विद फाइव, एंडिंग विद फाइव, कौन सा नंबर है, फाइव डिजिट, तो फाइव डिजिट, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डिजिट दिया, तो स्टार्ट की बिगनिंग किधर से होता है, स्टार्ट किधर से हो रहा है, थ्री से, तो थ्री लिख दिया स्टार्टिंग में, और एंड किस से होना चाहिए, फाइव से। अब पूछा क्या है मुझे, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पूछा है तो दोनों के बीच में जीरो 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 लिख देना, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट बिगनिंग विथ थ्री, किससे स्टार्ट किससे हो रहा है, थ्री से, एंड एंड कहाँ से हो रहा है, फाइव से, तो मेरा ऑप्शन में चेक करना किधर है, बी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3005। अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बोलता था बिटवीन बिगनिंग विथ थ्री एंड एंडिंग विथ फाइव, तो क्या लिखता था, सेम, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डिजिट है, स्टार्ट किधर से होता है, थ्री से, एंड किधर से होता है, फाइव से, तो बीच में क्या जाएगा, नाइन नाइन नाइन, बस। अगर ग्रेटेस्ट बोला तो बीच में क्या जाएगा, नाइन नाइन, और स्मॉलेस्ट बोला तो बीच में क्या जाएगा, जीरो जीरो, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोर डिजिट By using the digit 2407, क्या बोला है, What is the minimum? Minimum मतलब smallest, minimum number of four digit, कितना digit का है, four digit, form by the using the digit 2407, क्या बोला है, 2407, कितना बोला है, four, पर क्या बोला है, four digit का होना चाहिए, तो अगर मैं इससे ये लिखता हूँ 2407, क्या क्या दिया मेरे पास option, digits क्या दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 0 दिया है, 7, तो मेरे को कहा व्हाट इज द मिनिमम नंबर, कितना डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट, अगर मैं सबसे 0, अगर 0 में फर्स्ट लिखता हूँ, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या है, 2, उससे बड़ा क्या है, 4, उससे बड़ा क्या है, 7, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा ये डिजिट को फॉर्म करके, पर ये कितना डिजिट का नंबर है, ओनली 3 डिजिट का नंबर है, कितना डिजिट का है, 0, 0 का आगे डाल के कुछ वैल्यू नहीं होता, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 डिजिट नंबर होता है, कितना डिजिट का नंबर ये, 3 डिजिट, पर ये नंबर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, ये दोनों वैल्यू को रिवर्स कर देना, इंटरचेंज, ये 2 इधर आएगा, 0 इधर आएगा, 4 एंड 7, देन तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसमें इसमें क्या है, ये स्मॉलेस्ट, ये 4 डिजिट नहीं है, ये क्या है, 4 डिजिट नहीं है, ये 4 डिजिट नहीं है, ओनली 3 डिजिट होता है, 0 का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, अगर 0 में इधर डालता हूँ तो इसका वैल्यू हो जाएगा, डन, पर ये तो इससे बड़ा है, तो मेरे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2047, क्या आ जाएगा, 2047, सेम अगर मेरे को इसमें पूछा रहता था ग्रेटेस्ट नंबर, ये डिजिट लेके क्या पूछा था, 2407, तो मेरा सबसे जो बड़ा है वो फर्स्ट लिखना, उससे बड़ा क्या है, फिर उससे बड़ा क्या है, फिर उससे बड़ा क्या है, 0, तो ये जो सबसे बड़ा रहेगा पहला आएगा, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा, तो ये नंबर को क्या बोलेगा, ग्रेटेस्ट, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट बोला तो इसको रिवर्स कर देने का, क्या करने का, रिवर्स, 2047, क्या करने का, उल्टा लिख देने का, इधर से लिख देने का, 0, 2, 4 एंड 7, पर ये इसको मैं उल्टा करता हूँ तो ये 3 डिजिट बनता है, मेरे को पूछा क्या 4 डिजिट, तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को इंटरचेंज करता हूँ, ये दोनों डिजिट का प्लेस इंटरचेंज करता हूँ, तो क्या जाएगा, 2, और 2 के जगह पे क्या जाएगा, 0, 4, 7, तो ये मेरा ऑप्शन में देखता हूँ, 2047 है क्या, 2047, तो मेरा राइट, तो कितना पूछा है, 4 डिजिट पूछा है, तो ये 4 डिजिट नंबर है, तो दैट्स व्हाई मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2047, इजी। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बिगनिंग विथ 6 एंड एंडिंग विथ 7, क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, कितना डिजिट नंबर बोला, 4 डिजिट नंबर, क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, किसका, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, कितना डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट, 1, 2, 3, 4, डन, स्टार्ट कहाँ से होता है, 6 से, एंड कहाँ से होता है, 7 से,
तो स्टार्ट 6 से एंड 7 से, ग्रेटेस्ट के लिए क्या डालूंगा बीच में, 9 9, फोर डिजिट है, 1 2 3 4, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 6 से, एंड कहाँ से हो रहा है, 7 से। अगर मैंने इसको किससे माइनस करने का, मैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए 4 डिजिट, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 6 से, एंड कहाँ से होना चाहिए, 7 से, बीच में क्या आ जाएगा स्मॉलेस्ट के लिए, 0 0, ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट, और ये क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। आया, तो इनको क्या करना है मेरे को, इनके बीच में डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है डिफरेंस। तो अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो क्या, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये आ जाएगा 0, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 990। तो ऑप्शन में 990 है, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। तो स्मॉलेस्ट अ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट अ ग्रेटेस्ट के लिए क्या करने का, बीच में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 6 से, एंड कहाँ से हो रहा है, 7 से, सिर्फ बीच में 9 एंड 9 डालना ग्रेटेस्ट के लिए, एंड स्मॉलेस्ट के लिए बीच में 2 डिजिट 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर रिटन विद 7707, क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर रिटन विद 7707, क्या पूछा है, 7707, ये नंबर को अरेंज करके एक क्या बना, लार्जेस्ट बनाने का, एक स्मॉलेस्ट। तो इसमें मेरे को बोला नहीं कि 4 डिजिट का रहना चाहिए, 3 डिजिट का रहना चाहिए, कुछ मेंशन नहीं किया, क्या बोला है, सिर्फ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस निकालने का नंबर राइटिंग विद ये डिजिट, 4 डिजिट दिया, इसको मेरे को इसमें डिजिट मेंशन नहीं किया कि 4 डिजिट का ही रहना चाहिए, 4 डिजिट में से 4 डिजिट का ही माइनस करना चाहिए, तो मेरे को कुछ नहीं बोला। तो मेरे को ये नंबर सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू, सबसे छोटा पहला आ जाएगा, एंड 777, ये क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट के लिए इसका उल्टा 7770, तो अभी मुझे क्या निकालने बोला है, डिफरेंस। तो मैं डिफरेंस निकालता हूँ, 0777 से माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये इधर 3, ये हो जाएगा 6, ये 16, 769, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16, इसमें भी 9 6, तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा, 6993, क्या दिया है, 6993, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन क्या है, 699। मुझे इसमें डिजिट मेंशन नहीं किया कि 4 डिजिट का ही स्मॉलेस्ट नंबर रहना चाहिए, 4 डिजिट का ही स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर रहना चाहिए, उनको ही डिफरेंस करना चाहिए, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो कैसा बनेगा, जो मेरे को सबसे छोटा है पहला लिखूंगा, उसके बाद तो सारे डिजिट सेम है, तो 777, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट डिजिट, और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, जो मेरे पास है 77, इसका रिवर्स करूंगा, 7 सबसे बड़ा पहले उससे, तो सारे नंबर सेम है, तो 777 और लास्ट में 0, तो दोनों को सेपरेट करूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6993, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन।